दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एजुकेशनल शॉर्ट वीडियो के लिए दोस्तों अभी इस तरीके का थीम कैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के एंड तक दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि दोस्तों आप इस तरह का थीम को कैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना अपने पिक्चर ऐप पर दोस्तों। जैसे मैं अपने पिक्चर ऐप को ओपन करते दोस्तों। पिक्चर ऐप देखिए ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना होगा दोस्तों, आपको न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको यहाँ से सिंपली सी इसको यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से थ्री डॉट के ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ से इमेज साइज के ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ से 1280 लिखा है उसको यहाँ से आपको हटा देना। उसके बाद 9, उसके बाद आपको यहाँ से 16 को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से पेजेस वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है यहाँ से क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको ऊपर में कलर वाले ऑप्शन, उसके बाद आपको यहाँ से सफ़ेद कलर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बीच वाले ऑप्शन इस पर आपको कर देना क्लिक। उसके बाद आपको शेप्स को ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ से कलर को यहाँ से ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सही कर देना है। उसके बाद इसको खींच के पूरे तरीके से बड़ा करना है। उसके बाद इसको इस तरह से घुमा देना है। उसके बाद इसको इस साइड में आपको लेके आ जाना है। जैसे इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, इस तरह से सेट करना। उसके बाद इसको यहाँ से आपको लॉक कर देना है। लॉक कर देना। उसके बाद आपको फिर से शेप्स को ले लेना है। शेप्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना। उसके बाद आपको इसको यहाँ से रेड कलर को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से इसको रेड कलर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। इसको भी खींच के इस तरह से बड़ा कर देना है। उसके बाद इसको भी यहाँ से इस तरह से घुमा देना है। उसके बाद इसको यहाँ से बीचों इस तरह से ले आना है इसको इस तरह से। उसके बाद इसको यहाँ से पूरे तरीके से और बड़ा खींच के कर देना है। उसके बाद आपको इसको यहाँ से छोटे तरीके से इस तरह से सेट कर देना है। इस तरह से अच्छे तरीके से इसको सेट करना है यहाँ से। जैसे इसको और यहाँ से इसको अच्छे तरीके से आपको यहाँ इसको थोड़ा सा इस तरह से पतला कर देना है। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ से इस तरह से पतला कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक कर देना, ये लॉक हो चुका है देख सकते हैं। इसको अगर जो और पतला कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको फिर से शेप्स को ले लेना। उसके बाद फिर से आपको इसको कलर में आपको यहाँ से इसको ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको सही कर देना है। उसके बाद इसको भी खींच के इस तरह से बड़ा करना है। उसके बाद इसको भी यहाँ से इस तरह से घुमा देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको नीचे ले आना है इस साइड में, इसको इस साइड में इसको नीचे ले आना है। उसके बाद इसको भी यहाँ से आपको लॉक कर देना है। इसको भी यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक कर देने के बाद आपको फिर से शेप्स को ले लेना है। उसके बाद फिर से इसका कलर को रेड कलर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सही कर देना है। इसको भी यहाँ से इस तरह खींच के चौड़ा कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ से फिर से घुमा देना है इस तरह से, और इसको भी यहाँ से इस तरीके से इस तरह से बिठा देना है। एकदम अच्छे तरीके से बिठा देना है इस तरीके से। जैसे मैं इसको बिठा देता हूँ उसके बाद इसको भी यहाँ से आपको लॉक कर देना है इस तरीके से। इसको यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक हो चुका है ये भी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर से एक बार को यहाँ से शेप्स को लेना है। शेप्स को लेने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से आपको यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको करना है क्लिक। और इसके बाद इसको यहाँ से खींच के 30 रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से ब्लू कलर को इस तरह से सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको यहाँ से सही कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ से खींच के इस अपने हिसाब से इस तरह से बिठा लेना है। इस तरह से एकदम अच्छे तरीके से बिठा लेना है। जैसे मैं यहाँ इसको इस तरह से बिठा लेता हूँ, इस तरह से बिठा लेना है। उसके बाद आप इसको भी यहाँ से आपको लॉक कर देना है। इस तरह से लॉक कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा देखिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा देखिए, आपको फिर से एक बार आपको यहाँ से शेप्स को लेना है। शेप्स को लेने के बाद आपको यहाँ से जो फर्स्ट पे ऑप्शन आ रहा है इसको यहाँ से पूरे तरीके से सॉ कर देना। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना। उसके बाद यहाँ से कलर में आपको इसको यहाँ से पीला कलर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से छोटा कर देना है इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ से इसके नीचे ले आना इस तरह से। उसके बाद आपको सही कर देना। उसके बाद आपको यहाँ कॉपी कर लेना इस तरह से। कॉपी करके और एकदम बिठाते जाना है इसको अच्छे तरीके से, एक साइड में एक सीधे तरीके से एकदम बिठाते जाना है।
उसके बाद इसको भी आपको यहाँ से फिर से कॉपी करना है। फिर से आपको एक बार कॉपी करना है इस तरह से, एकदम चारों बार आपको कॉपी कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको आपको क्या करना होगा, देखिए इसको इस तरह से बिठा लिया। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से यहाँ से शेप्स को लेना है। शेप्स को लेने के बाद आपको यहाँ से आपको पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ से कलर को यहाँ से रेड कलर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको यहाँ से इस तरह से आपको कम से कम 60 पे रख देना है इस तरह से, और इसको यहाँ से खींच के इस तरह से कर देना है, इसको इस तरह से कर देना है, और यहाँ इसको और पतला कर देना है इस तरह से, इसको थोड़ा और छोटा कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। सही करने के बाद आपको यहाँ से टू बैक कर देना है इस तरह से। उसके बाद आपको इसको यहाँ से और इस तरह से छोटा कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको इसको भी आपको यहाँ से कॉपी करते जाना है इस तरह से, कॉपी कर लेना है, इसके साइड में ला के बिठा देना है इस तरह से। उसके बाद आपको फिर से टू बैक कर देना है इस तरह से, टू बैक कर देना, फिर से कॉपी कर लेना है आपको इस तरह से, सबको यहाँ से चारों को कॉपी करना है। उसके बाद टू बैक करते जाना है, टू बैक इस तरह से जैसे मैं करते जा रहा हूँ इस तरह से आपको करते जाना है। फिर से आपको यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी करना है इस तरह से, और अच्छे तरीके से इसको बिठा देना है। इसको यहाँ से फिर से मैं टू बैक कर देते हैं, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से इस तरह से बिठा देते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, देखिए आपको इन जितने को यहाँ से आपने इसको यहाँ से सबको कॉपी करके लगाया, उसको अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, अब इन सबको यहाँ से आपको लॉक कर देना है। आपको यहाँ से सबको लॉक कर देते हैं इस तरह से, चलिए लॉक कर दिए हैं। उसके बाद आपको नीचे आना, इन सबको भी लॉक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। उसके बाद आपको यहाँ से ए वाले ऑप्शन पर आपको कर देना क्लिक। उसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद एडिट के ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। उसके बाद आपको ए लिखना है। उसके बाद फिर से नीचे में बी लिखना है। फिर से आपको नीचे में सी, इस तरह से डी तक लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा इधर साइज का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको कर देना है क्लिक, और इसको खींच के बड़ा कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ से आपको नीचे ले आना है, इसको इस तरह से पकड़ के नीचे ले आना है, इसको नीचे ले आना है। उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा इधर आना है। उसके बाद आपको यहाँ से लाइंज स्पिंज का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको करना है क्लिक, और इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा इस तरह खींच देना है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आपको यहाँ से सेट कर लेना है, आपको देखना आपने कितना गैपिंग छोड़ा है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको अच्छे तरीके से बिठा लेना है इस तरह से, जैसे मैं बिठा लिया उसको, मेरे यहाँ थोड़ा और गैपिंग इस तरह से चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से सेट कर देना है, इसको यहाँ से सेट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से सही कर देना है, सही वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से बी वाला स्टाइलिश का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस बी वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ से आपको बी कलर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसका कलर को चेंज करना है, तो यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने बाद के बाद यहाँ से ब्लैक कलर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सही कर देना है। उसके बाद इसको भी आपको यहाँ से लॉक कर देना इस तरीके से। लॉक हो चुका है अब दोस्तों, ये आपका बन के तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको यहाँ से डाउनलोड कैसे करना है, आपको यहाँ से थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। से एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अल्ट्रा को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी कर देना है। ये आपका ये इमेज डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से दोस्तों आप ये इमेज को बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।